अब देखिए लेक्चर 9 में हम लोग किसी भी नंबर को क्यूब करना सीखेंगे। तो बेसिकली एक क्यूबिंग ऑफ द नंबर है, तो इसमें दो तीन अलग अलग मेथड्स हैं, तो कौन कहाँ पे परफेक्ट होगा वो भी देख लेंगे कि कौन सा मेथड कब यूज़ करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगर मान लो पहले 2 डिजिट के क्यूब से चलते हैं कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर को अगर क्यूब करना हो तो मान लो कि भाई हमें 12 का क्यूब करना है। तो अगर 12 का क्यूब करना है आपको, है ना, तो ये क्या होगा 12 × 12 × 12 टाइम टेकिंग है 144 × 12, थोड़ा समय तो लगेगा। और यहाँ से मेथड सीखेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो नंबर है जिसका क्यूब करना है उसको 2 पार्ट में सोचिए आप। तो सपोज ये 1 और जो सेकंड पार्ट है राइट हैंड साइड पार्ट है इट इज़ 2। अब इसको हमने ए लिख दिया और इसको क्या लिख दिया बी। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ए अपॉन बी फाइंड कर लोगे, मतलब रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब वो बहुत सिंपल है, कितना आ जाएगा 1/2। अब जहाँ पे भी ये रेशियो सिंपल आए, हाँ 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये मेथड यूज़ करना। तो ज़्यादा वैसे सब जगह वैलिड है ये मेथड, बट वहाँ पे करना ज़्यादा आसान होगा जहाँ पे ये रेशियो 2/5, 3/7 इस तरह का है, वहाँ दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमने ए बाई बी रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब देखो फर्स्ट प्लेस ये जो 2 रो बनाया हुआ है हमने, row 1 and row 2, तो row 1 का जो राइट मोस्ट पार्ट है, राइट एक्सट्रीम जो है, ठीक है, वहाँ पे जो डिजिट आएगा वो कैसे आएगा, बी क्यूब करने से। तो बी क्या है यहाँ पे आपका 2, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, अगर मैं 2 का क्यूब लिखूँगा वी विल गेट 8 लिख दिया। अब यहाँ क्या आएगा देखना, मतलब सिखाने के टाइम पे ये टाइम टेकिंग है, बट एक बार जैसे आप समझते जाते हो, प्रैक्टिस में आते जाते हो, आपके लिए बहुत आसान दिखता जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए नेक्स्ट जो नंबर मिलना है, जो पहले आपने बी क्यूब निकाल लिया, अब उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। उसको क्या करोगे, रेशियो से मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय दैट रेशियो दैट इज ए बाई बी। इन दिस सिचुएशन, इन दिस स्पेशल केस, ए बाई बी इज 1/2। सो यहाँ पे कितना आएगा 8 × 1/2, तो कितना आ जाएगा 4 कैसे आया पता लग रहा है, सेकंड मेथड में यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। फर्स्ट कैसे आया 2 का क्यूब, सेकंड कैसे आया 2 का क्यूब 8 आया था मल्टीप्लाइड बाय रेशियो 1/2 कर दिया हमने, लिख दिया। फिर से वही रेशियो मल्टीप्लाई करना, बहुत सिंपल टास्क है, फिर से वही रेशियो मल्टीप्लाई करना है बट अपॉन ए बाई बी, तो क्या आ जाएगा 4 × 1/2, कितना आ जाएगा 2। अगेन वही काम, वही चीज रिपीट करनी है, रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, ए अपॉन बी कितना आ जाएगा 1। तो कैसे लिख दिया, समझ आ रहा है, बहुत इजी टास्क था ये। अब सेकंड रो, जो सेकंड रो आएगा उसमें कुछ नहीं करना है, ये और ये खाली होगा, ये और ये सेकंड रो का खाली होएगा, सिर्फ ये 2 फील करना है हमें, और इसको फील करते समय जस्ट इसको डबल करना है, यहाँ पे डबल करके इधर लिखना है, इसको डबल करके इधर लिखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, हमने 8 लिख दिया यहाँ पे, यहाँ तक समझ आ रहा है। 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, हमने 4 लिख दिया, बस आंसर आ गया आपका। आंसर क्या है 8 + 4 = 12, 1 कैरी हो गया, 4 + 2 = 6, 7, 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें कई तरीके से करते हैं, कई बार पहले ही 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आप ये सबसे जितना सिंपल रखोगे मेथड उतना आसान होगा याद रखना भी और उसको प्रैक्टिस में लाना भी। ठीक है, तो एक चीज का ख्याल रखेंगे, जब ये रेशियो सिंपल आता है तब ये क्यूब करने का मेथड यूज करना आप। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना है 12 का क्यूब 1/7, 2/8। 4-5 और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, अब जैसे 31 का क्यूब लिखना है आपको, तो फिर से मैं इसको क्या करूंगा 2 पार्ट में, तो 3 अलग और 1 अलग, एक ए है दूसरा क्या है बी, तो 3 इज ए हियर एंड 1 इज बी हियर, तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा 3/1। अगेन रेशियो बहुत सिंपल है, वो तो नंबर जिसका क्यूब करना है उसको देख के आपको पता चल जाता है कि रेशियो कैसा होना है। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन द रेशियो इज 3:1, मतलब 3 है क्लियरली। अब राइट मोस्ट में जो राइट एक्सट्रीम पे यहाँ पे क्या करते हैं बी क्यूब लिखते थे, तो बी क्या है 1, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे क्या करते हैं रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 3/1 से मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल गेट 3 ओनली बिकॉज द रेशियो इज 3, बहुत सिंपल है। फिर अगेन
मल्टीप्लाइड बाई 3, क्यों? रेशियो 3 है, तो 3 × 3 = 9, अगेन मल्टीप्लाइड बाई ए बाई बी, रेशियो रेशियो इज 3, तो ये कितना आएगा? 27. सेकेंड रो इसका डबल 6, 18. बस अब आंसर की बारी है, फाइनल आंसर 1, 9, 27. 2 कैरी हो गया, 27 + 2 = 29. दिस इज द आंसर. अब मान लो आपको 24 का क्यूब लिखना है, यहाँ पे भी यही मेथड यूज करेंगे क्योंकि रेशियो बहुत इजी होने वाला है. तो देखो अब मैं यहीं से लिखता हूँ, ये ए है और ये क्या है, बी है, तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा? 2/4, मतलब 1/2. ये क्यों लिख दिया समझ आ रहा है? अब देखो फर्स्ट प्लेस, अब तो याद हो गया होगा बी का क्यूब, फर्स्ट प्लेस मतलब क्या हो जाएगा, बी का क्यूब, तो बी का क्यूब मतलब 4 का क्यूब. 4 का क्यूब कितना होता है? क्यूब रूट, इसलिए मैंने पहले बता दिया, वहाँ पे याद करना मैंने बताया था. तो 4 का क्यूब लिखोगे कितना होगा? 64. फिर सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई रेशियो, दैट रेशियो, दैट रेशियो इज 1/2 इन दिस सिचुएशन. तो 64 × 1/2, तो कितना आ जाएगा? 32. अगेन मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये आपके समझ आ गया है कि कहाँ पे क्या करना है. तो 32 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 16. फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ए बाई बी से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल हैव 8. अब क्या करते हैं, इसका डबल 64, इसका डबल 32. बहुत सिंपल है. अब लिख देंगे यहाँ पे, अब देखो ये 64, अब यहाँ से क्या करना है ना, 64 मतलब 4, 6 कैरी हो गया, 64 मतलब 4 लिख दिया, 6 क्या हो गया? कैरी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? 30 + 60 = 96 + 6 = 102. तो हमने क्या लिख देना है? 210 कैरी हो गया. 30 + 10 = 48 + 10 = 58 लिख दिया हमने, 5 आ गया. 8 + 5 = 13. दिस इज द आंसर. इसमें भी कई बार कहते हैं कि इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करो, तो बहुत सिंपल रखिए मेथड को, जितना सिंपल रखेंगे उतना याद रख पाएंगे, तभी ये किसी काम की चीज़ होगी आपके लिए. और प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही, वो तो करना ही पड़ेगा. फिर से देखते हैं एक एग्जांपल. मान लो 33 का स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, कहीं गलती से मैंने स्क्वायर लिख दिया होगा, बट क्यूब ही है यहाँ पे, तो 33 का क्यूब लिख दिया. तो थर्ड यहाँ पे भी देख के लग रहा है कि रेशियो बहुत आसान होने वाला है, रेशियो बहुत आसान होने वाला है, मतलब 1:1. अगर ये फर्स्ट ए है, दूसरा क्या है? बी. तो ए अपॉन बी क्या आ जाएगा यहाँ पे? सीधे मैं 1 लिख सकता हूँ, 3/3 = 1 हो जाएगा. फर्स्ट प्लेस स्क्वेयर करना है, स्क्वेयर किसका करना है? 3 का, बी का क्यूब करना है, तो बी का क्यूब. कहीं भी मैंने गलती से स्क्वेयर कह दिया होगा तो वो क्यूब है बेसिकली, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप. ठीक है, कहीं लिख भी दिया शायद मैंने स्क्वायर, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, क्यूब ही है बेसिकली. तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27. अब यहाँ पे बहुत आसान है क्योंकि रेशियो बहुत सिंपल होने वाला है, तो सब में मैं 27 पुट कर दूंगा. ठीक है, अब क्या करूँगा, सेकेंड रो में ये दोनों खाली रहता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इन दोनों में डबल करके लिखना होता है. तो डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 × 2 = 2, तो कितना आ जाएगा? 54. यहाँ पे भी कितना होगा? 54. अब इसको क्या करेंगे, सभी को ऐड कर दीजिएगा. देखिए 27 के लिए हमने 7 लिख दिया, 2 कैरी हो गया. 27 + 54 = 81 + 2 = 83. तो 83 के लिए हमने 3 लिख दिया और 8 कैरी हो गया. ठीक है, अब यार 27 + 54 = 81 + 8 = 89, 8 कैरी हो गया. 27 + 8 = 35. दिस इज द आंसर. चेक करेंगे आप. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं. मान लो 62 का क्यूब लिखना है आपको, तो फिर से ए एंड बी, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए अपॉन बी कितना आ गया? 6/2 = 3. फिर से सिंपल है, रेशियो सिंपल है, तो ये मेथड कंपैरेटिवली इजी होगा. प्रैक्टिस के साथ आप इसको अच्छा कर पाएंगे शायद. तो यहाँ पे क्या होता है, बी का क्यूब लिखते हैं पहले, तो बी का क्यूब कितना होगा? 8. बी का क्यूब कितना होगा? 8.
अब यहाँ पे ये क्यों लिखा हमने, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे क्या होता है, रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस सिचुएशन रेशियो इज 3, तो 8 इंटू 3 24, ठीक है, 8 इंटू 3 24, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो अगर फिर से इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे विल हैव 72, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 216, ठीक है। अब ये 2 3 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, अब इसको डबल कर देंगे कितना आ जाएगा 48, ये कितना आएगा 144। अब ध्यान रखिएगा जो नॉर्मल मेथड से उसे जरूर कंपेयर करेगा, मतलब थोड़ा लंबा है बाकी इसके मेथड से, बट जो टास्क है वो भी तो मुश्किल था, 62 का क्यों, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई 62 इंटू 62 इंटू 62, तो वो और लंबा होने वाला है, तो ये कंपेरेटिवली बहुत ईजी होगा। तो देखो अब इसको ऐड कर देते हैं, बहुत सिंपल है, 8 लिख दिया, एडिशन भी बताऊंगा मैं इसके बाद, ऐड भी कैसे बहुत आसान है, इसको तो कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, 48 प्लस 24, तो 40 प्लस 2 20, 60, 8 प्लस 4 12, 72, 2 लिख दिया हमने, 7 कैरी हो गया, 144 प्लस 72, तो 140 प्लस 70, 210 प्लस 6, 216, भी जो मेथड हमारे पास है पहले से उससे तो बहुत ही आसान है, क्रिएटिविटी अलग बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अलग बढ़ती है। तो ये आप उधर यूज़ करना जहाँ पे रेशियो बहुत सिंपल है, जैसे 88 का क्यूब करना है, 99 का क्यूब करना है, 36 का क्यूब करना है, 42 का क्यूब करना है, ठीक है, तो इस तरह का जहाँ पे रेशियो कुछ फ्रैक्शन में आ जाए, 2/3 आए या 3/7 आ जाए, तो ये भी इस मेथड से बनेगा, बट ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो करने की ज़रूरत है नहीं, वहाँ पे हम लोग अलग मेथड यूज़ करेंगे कि भाई अगर 100 के पास है तो 100 प्लस 3, 100 प्लस 4, मतलब a प्लस बी का क्यूब या a माइनस बी के क्यूब, इस तरह पे जाएंगे हम लोग। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ रहा है, असाइनमेंट जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी मेथड सीखते हैं हम लोग क्यूब का, फिर आगे चलेंगे डिवीज़न, फिर स्क्वेयरिंग, फिर स्क्वेयर रूट कैसे लिखते हैं, फिर अल्जेब्रा में भी चलेंगे कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे वैदिक मैथ से सॉल्व कर सकते हैं। एक काम जरूर करिएगा, अगर समझ आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात।